नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं देश की बात। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह पूरी दुनिया तन और मन को स्वस्थ रखने वाले इस हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा और स्वास्थ्य शैली में रंगी नजर आएगी। प्रधानमंत्री मुख्य कार्यक्रम के लिए रांची में होंगे। हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए दुनिया के तमाम देश भारत के साथ खड़े होते हैं और ये भारत की विश्व को निरोग रखने की एक सकारात्मक पहल के तौर पर अब ये दिवस स्थापित हो चुका है। यानी योग को लेकर पूरी दुनिया को भारत पर नाज है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनसे ये लगता है कि कुछ हमारे देश में अपने ही लोग हम इस मामले में नाराज भी हैं। इन लोगों की संख्या बहुत कम है, ये अच्छी बात है। इस बार भी कोई खासा विरोध नहीं हुआ है, बहुत मुट्ठी भर इन लोगों की संख्या है जो नाराज हैं, जो योग का विरोध करते हैं। लेकिन आखिर योग से दिक्कत है क्या ऐसे लोगों को? योग का खासतौर पर वो लोग विरोध करते हैं या कर रहे हैं जो इसे धर्म से जोड़ देते हैं। आज योग दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये रह रहकर योग को धर्म से जोड़ना क्या सही है, क्या वाकई में योग किसी धर्म विशेष से ताल्लुक रखता है। इस पर करेंगे आज हम चर्चा विस्तार से। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, समझिए मामले को, देखिए योग के रंग, और फिर जब लौटेंगे तो फिर योग पर विस्तार से चर्चा करेंगे मेहमानों के संग। तो आप देख रहे हैं देश की बात, एक छोटी सी रिपोर्ट, जल्द लौट रहे हैं। सेहत अच्छी होती है, इससे हम फिट भी रहते हैं। एक ही दिन योगा करने से हम फिट नहीं रहते हैं, अगर योगा रोज करेंगे तो हम फिट रहेंगे। योग की इन सात तस्वीरों के जरिए आप देखिए योग साधना के सात रंग। पहली तस्वीर में दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे और अंतरराष्ट्रीय योग एक्सपर्ट धनश्री लेकुर वाले नागपुर में योग करते दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में भारत की पहली नेत्रहीन दिव्यांग टीम अपने जबरदस्त करतबों से योग साधना कर रही है। तीसरी तस्वीर आपको सीधे लद्दाख के पहाड़ों पर योग की भावना से लबरेज जवानों से मिलवाएगी। तो चौथी तस्वीर में जम्मू और कश्मीर के बीएसएफ जवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए योगाभ्यास करते नजर आएंगे। पांचवी तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर की है, जहां आईटीबीपी के जवानों ने पानी में योग साधना की। छठी तस्वीर में सहारनपुर जेल में योग दिवस का आयोजन दिख रहा है। तो सातवीं तस्वीर में अभिनेत्री और फिटनेस की दीवानी शिल्पा शेट्टी योग करती नजर आ रही हैं। ये सभी तस्वीरें बयां कर रही हैं योग हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ी साधना है। योग हिंदुस्तान की विरासत है और इसी विरासत को दुनिया भर में फैलाने में चाहे भारतीय सरकार हो या फिर भारत के लोग, हर कोई भरसक कोशिश कर रहा है। पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत में सभी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम रांची में होगा। रांची के तारा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों के साथ योग करेंगे। रांची में भव्य योग कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में योग दिवस पर करीब 300 से ज्यादा कार्यक्रम करवाने की बात कही है। लगभग 40 से मिनिस्टर्स और सांसद गण भी रहेंगे और हम लोग भव्य स्तर पे इसको दिल्ली में योगा मना रहे हैं। योग दिवस की जबरदस्त तैयारियों के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने इस साल योग के कई बड़े रिकॉर्ड बनने की बात कही। के प्रत्येक जिले, तहसील स्तर से लेकर के बड़े बड़े गांवों में, पूरे देश में हमारा प्रयास होगा कि पतंजलि के माध्यम से लगभग 1,00,000 गांवों में हम 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का जो महोत्सव है उसको हम मनाने जा रहे हैं। हर साल योग दिवस पर एक थीम रखी जाती है और इस साल की थीम योग फॉर क्लाइमेट चेंज रखी गई है। तरह से जैसे स्वच्छ भारत का आंदोलन, ये जनता का आंदोलन हुआ, वैसे योगा भी आज विश्व भर में और देश में खासकर जनता का एक नया उपक्रम बन गया है और देश के तरक्की में मीडिया हाउसेस खुद होकर बढ़ चढ़ कर भाग ले, ये बहुत अच्छा चिन्ह है। ये बात शीशे की तरह साफ है कि योग जाति धर्म सबसे परे है।
लेकिन योग की इस राह में सियासत के कई रोग हैं। पूरी दुनिया में योग को स्वीकारिता मिल चुकी है, लेकिन देश के भीतर अभी भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विरोध हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ ने योग दिवस का विरोध करने का फैसला लिया है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आधिकारिक बयान के अनुसार वहां पर योग दिवस की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का यह कहना है कि योग एक विशेष मजहब को सभी पर थोपने की कोशिश है। योग को मजहब के साथ जोड़ लेने की यही दिक्कत योग की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। सवाल यह है कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का मादा रखने वाला योग भारत में ही राजनीति का शिकार क्यों हो जाता है? आखिर क्यों योग को धर्म से बार बार जोड़कर विवाद पैदा किया जाता है? योग के नाम पर सियासी रोटी सेकने वाले आखिर कब बाज आएंगे? और मजहब की जातियों की दीवारों को जोड़ने वाला योग आखिर मानसिकताओं को कब जोड़ पाएगा? इन्हीं सब मुद्दों पर होगी आज देश की बात। तो देश की बात में आज मुद्दे कई हैं और जोड़ने की बात करेंगे। जो मूल अवधारणा है योग की, आज हम इस चर्चा में भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक सार्थक बहस हो, एक सार्थक चर्चा हो, एक सार्थक नतीजा निकले और ये कोशिश हो कि योग के जरिए समाज के सभी वर्गों को, मानसिकताओं को जोड़ने की कोशिश हो। इसके लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ है अनिला सिंह जी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है विकास गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक है। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वंदना गुप्ता जी, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर महमूद पराचा साहब, जो कि सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। पराचा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विवेक मिश्रा, जो कि जाने माने योगा एक्सपर्ट है। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी, जो कि संघ विचारक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अवस्थी। हमारे साथ हैं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। जियाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हैं हमारे आज के मेहमान, इनके साथ हम करेंगे चर्चा। लेकिन इसमें आपको भी अपनी भागीदारी निभानी है, हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को। और उसके लिए हम पूछते हैं रोजाना एक कड़क सवाल, और आज का कड़क सवाल है कि क्या योग को किसी धर्म से जोड़ना सही है? यह है आज का हमारा सीधा सा कड़क सवाल। इसका जवाब आपको हां या ना में देना है। और एक बार फिर सवाल आपको दोहरा देते हैं, क्या योग को किसी धर्म से जोड़ना सही है? टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारा कड़क सवाल। फेसबुक पर अगर आप हैं तो @ZeeBusinessOnline पर आप जाएं, वहां पर आपको हमारा ऑनलाइन पोल नजर आएगा, यस या नो, हां या ना में आपको जवाब देना है। ट्विटर अगर यूज करते हैं तो @ZeeBusiness हमारा ट्विटर ऑनलाइन हैंडल है। इस पर जाकर आप यस या नो, हां या ना में अपने जवाब दे सकते हैं। आपकी जो भी राय आएगी, आप जो भी कहना चाह रहे हैं, उसको नतीजे के रूप में हम इस शो के आखिर में शामिल करेंगे। कोशिश करेंगे अगर वक्त रहा तो इस पर थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा को की शुरुआत करते हैं। और मैं वंदना जी आपके पास आना चाहूंगा। वंदना गुप्ता जी, आप तो योगा एक्सपर्ट हैं और इस बार की जो थीम है आपको मालूम ही होगा, योग फॉर क्लाइमेट चेंज, ये है इस बार की थीम। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है कि क्या आपके पास योग फॉर माइंडसेट चेंज का कोई नुस्खा है, कोई योगा है जिससे माइंडसेट चेंज हो? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जितने भी योगासना हैं वो एक्चुअली माइंडसेट चेंज कर देते हैं। बट आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अब आप चाहेंगे कि हम बिस्तर पर लेटे लेटे माइंडसेट चेंज कर लें, वो तो होने वाला नहीं है। आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जहाँ तक बात है जोड़ने की, आपने शुरुआत ही जोड़ने से की थी, तो योगा का लिटरली मीनिंग ही जोड़ना है। तो वो किसी भी धर्म से या किसी जाति से रिलेट करता ही नहीं है। उसका एक्चुअल मीनिंग है जोड़ना। तो सारे समुदायों को साथ में लेकर आना या अपने आप को प्रकृति से जोड़ना, अपने खुद की सोल से जोड़ना, अपने ब्रेथ के साथ जोड़ना। योग का जब मतलब ही जोड़ना है तो वो विभाजित करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो योगा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे दूर हुआ जाए। और जो आपका सवाल है कि माइंडसेट कैसे चेंज होगा, उसके लिए थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा। शायद ब्रीदिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट कीजिए। ओके, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से स्टार्ट तो करेंगे ही, पूरा देश कर रहा होगा ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से। लेकिन योग के और सारे भी फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जो मैं माइंडसेट चेंज करने की बात कर रहा हूँ, उस पर विवेक मिश्रा जी की भी राय ले लेते हैं, वो भी योगा एक्सपर्ट हैं। क्योंकि आज आप लोगों का दिन है, योगा का दिन है, वैसे तो हम सबका दिन है, लेकिन योगा एक्सपर्ट्स का दारोमदार जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे विवेक, माइंडसेट चेंज करने के लिए क्या किया जाए
ये जो बार बार योग पे सियासत हो जाती है, क्या करें इसका? देखिए, ये सियासत उन लोगों के लिए होती है जो अपने शरीर में दुष्प्रभाव को देखते हुए भी योग को अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। योग का मतलब, जैसे कि एक दूसरे एक्सपर्ट ने बोला, क्या है योग? इज अ संयोग। आपका जो शरीर होता है और उसको दिमाग के साथ उसको सिंक्रनाइज करता है, उसको एक करता है। तो जब आप चंद योगासन से शुरुआत करेंगे और उसके साथ साथ उज्जयी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप अपने शरीर में, अपने दिमाग में स्थिरता पाएंगे, चुस्ती पाएंगे। योग को राजनीतिक तौर पे देखना बिल्कुल गलत है, किसी धर्म से देखना बिल्कुल गलत है। योग एक पद्धति है, एक जीवन शैली है, जिससे आप अपनाएंगे तो आप किसी भी तरीके की बीमारी और विकारों से दूर रहेंगे और स्वस्थ चुरुस्त दिमाग और शरीर के साथ रहेंगे। बिल्कुल, वंदना जी ने भी कहा, विवेक जी ने भी कहा कि योग तो करिए, फिर माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा, लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट भी चेंज जो हो रहा है उस पर भी मदद मिलेगी, आपके अंदर सकारात्मक अमूलचूल बदलाव आएंगे। लेकिन ये बदलाव तो तब आएंगे ना जब योग करेंगे प्राचा साहब। लेकिन योग की करने की जैसी बात आती है, धर्म वाले आ जाता है, बताया जाता है कि साहब ये तो धर्म विरोधी है। ऐसा क्यों होता है? क्या दिक्कत क्या है इसमें? धर्म कहाँ से आ गया? देखिए, सवाल योग करने का नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज जो है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। सवाल जो बुनियादी मुद्दा यहाँ पर है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार योग के बहाने से या किसी भी बहाने से आम जनता का ध्यान जो है मेन मुद्दों से हटाना चाहती है, आप लोगों को अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि इंडिया का जो योग के बहाने से सरकार कैसे कैसे आप कह सकते हैं? आपको प्लीज जस्टिफाई भी कीजिए ना, आपने कह तो दिया लेकिन मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं आपको। आप अपने आपको आप बोलना पड़ेगा को योग के माध्यम से सरकार कैसे छोड़िए? ये तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है सर, ये तो यूएन ने घोषित किया है। अगर आप मुझे सर ये तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मैं आपको अगर मुझे बोल हाँ बोलिए बोलिए आप अगर बोलने देंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा। हाँ जी बोलिए बोलिए। देखिये, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी साहब जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है योग के लिए, सिंबल बनने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो कि बॉडीली फिट हैं, जो कि योग का बहुत अच्छा सिंबल बन सकते हैं। लेकिन सरकार ने, मैं आपको वही बता रहा था, जीडीपी का 1% हमारे देश में हेल्थ केयर के लिए अलोकेटेड है फंड, जो कि दुनिया में सबसे कम है। हमारे देश में ओबिसिटी यानी कि मोटापा, ब्लड प्रेशर, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हेल्थ केयर पे पैसे कम खर्च करने की वजह से बढ़ रहा है। सिर्फ सरकार जो है एडवर्टीजमेंट अपना करने के लिए, योग कोई मोदी सरकार ने शुरू नहीं किया है, योग हजारों सालों से लोग कर रहे हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। मैं डेली योग करता हूं, तो इसका मतलब रिलीजन से तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। लेकिन इसको एक खास तौर से क्रिएट किया जाना कि ये मोदी सरकार की देन है, योग को हमने विश्व भर नहीं, आपकी अपनी बात जगह सही है, सैकड़ों सालों से आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च ठीक है, आपका इशारा स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की तरफ है। नहीं, मैं प्राचा साहब मैं समझ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मेरा मूल प्रश्न जो है, और योग का बहाना करके, योग का दिखावा करके देश को ये भ्रमित नहीं करना चाहिए कि देश की जो हेल्थ केयर की जो स्कीम से गवर्नमेंट की, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा मूल प्रश्न अलग था ना। आपने जवाब जो दिया वो मेरे मूल जो प्रश्न का जो खांचा है उसमें फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका जवाब हो सकता है सही, लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं था। खैर, मैं जियाई साहब के पास चलता हूँ, शायद उनके पास इसका जवाब हो। प्रश्न क्या था आपका? जियाई साहब से अभी अब तो मैं जियाई साहब से बोल लेता हूँ। आपके पास मैंने प्रश्न पूछा, आपने उसका जवाब कुछ अलहदा अंदाज में दिया, कोई बात नहीं। जियाई साहब, मैं सवाल ये कह रहा था कि प्राचा साहब भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है योग करने में, हमारे दोनों योगा एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई योग करने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि योगा जब हम करते हैं तो फिर योगा जब जोड़ने वाली एक क्रिया है तो इसमें धर्म आड़े क्यों आ जाता है? फिर ये क्यों कहा जाता है कि साहब हम नहीं करेंगे, ये तो धर्म विशेष का है? देखिए दीपक भाई, मैं आपको बता दूं, योग 5000 साल पुरानी वो सिस्टमैटिक अपने जिस्म को सही करने का एक वर्जिश का तरीका है, जिसको अरबी में कहा जाता है कि रियाजतुल बदनिया,
जिस्मानी जो रियाजत होती है जिसे रियाज कहते हैं वो बहुत जरूरी भी है जिस्म के लिए, लेकिन इसको किसी एक धर्म के साथ जोड़कर और उसको एक तरीकेकार से सिर्फ अपना करके उसमें सिर्फ एक धर्म के कुछ श्लोक पढ़ करके इस तरीके की बातें करके योग को पेश करना, वो भी दुनिया के सामने, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसको धर्म से आपने जोड़ करके एक धर्म का योग बना दिया है। ये योग पूरी दुनिया के हर उस इंसान के लिए होना चाहिए जो कि 5000 साल से अपने जिस्म को दुरुस्त करने के लिए बदनी रियाजत करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं। अगर इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज रखा जाए, योग रखा जाए, लेकिन इसमें धार्मिक श्लोक ना किया जाए तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिक श्लोक डाल करके आपने इसको धार्मिक कर दिया, और वो धार्मिक मुसलमानों ने नहीं किया बल्कि वो आपने कर रखा है ज़ियाई साहब। और आपको लगता है, आप इसको आप बताओ इसमें जितने भी आसन आपके हैं ज़ियाई साहब, पूरी दुनिया ने इसे मान्यता दी है, और 2014 में जब रेजोल्यूशन आया था इसके पक्ष में तो तमाम इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हो गई। आज भी पूरे दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के तस्वीरें आप देखेंगे अब से कुछ देर बाद कि किस तरह से वहां पर योग हो रहा है। अरब इसमें शामिल है, ईरान इसमें शामिल है, कई मुस्लिम कंट्रीज में शामिल है, उनके यहाँ एक्सेप्टेंस है, उनके यहाँ एक्सेप्टेंस है। सर हमारे यहाँ क्यों नहीं एक्सेप्टेंस? वो एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सर सुनिए ना, मैं आपके साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ उस वक्त खड़ा होता हूं जब आप इसे एक्सरसाइज कहें, इसे योग कहें, वो धार्मिक योग ना बनाएं इसे, और इसे धर्म के साथ अगर आप जोड़ देंगे, उसमें धार्मिक श्लोक पढ़े जाएंगे, तो यकीनन कहीं ना कहीं वो चीजें हम पर ये वारित की जाती है और बताया जाता है कि नहीं तुम्हें यह पढ़ना है और योग करना है। आपने इसको ऐसा क्यों किया? आपने इसे ये कहना था कि भाई योग में ये श्लोक की जरूरत नहीं है, आप कुछ और पढ़ लें, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ करके अगर हम अपने दिल को संतुष्ट करेंगे तो यकीनन किसी धर्म की बात को हम पर थोपने की बात। ज़ियाई साहब, रांची की राफिया ने क्या इसको धर्म से जोड़कर देखा था? जब उसने भी इसे खेल की तरह, उसने भी एक लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए रांची की राफिया ने किया था, उस पर तो कट्टरपंथी मौलानाओं ने उनका 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 हुक्का पानी बंद करने की उस पर फतवा जारी करने तक की धमकी दी। क्या उन्होंने तो इसको लाइफस्टाइल की तरह सिखाने के लिए प्रशिक्षण के तौर पर दिया था। हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं सर, कई एग्जाम्पल। ये वो मुल्क है जिसमें आजादी आफिया को भी है और सीता को भी है, इसमें किसी मुसलमान या किसी मजहब की बात नहीं है। आपने इसे एक धर्म से तो क्यों विरोध किया फिर मौलानाओं ने? बताना चाह मौलानाओं ने क्यों विरोध किया फिर? योग आपको दे रहा है, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए वो इंडिविजुअल मामला हो सकता है किसी का कोई विरोध करता हो, लेकिन मैं किसी की आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी को हम पर आप बोलिए। आप योग तो करिए, योग अभ्यास तो करिए, आप ध्यान लगा के तो बैठिए, आपका ब्लड प्रेशर इबादत की वो शक्ल, अगर आप इबादत की वो शक्ल जिसे नमाज कहते हैं, योग को एक इबादत की तरफ से लेते हैं और हम योग की जरूरत महसूस करते हैं तो हम योग भी करें, लेकिन हम अपने तरीके से करें, लेकिन आप अपने तरीके को हम पर ना बहुत सही बात है। योग कैसा करना चाहिए दीपक भाई? ठीक है, और ये दुनिया पर थोपा जा रहा है 2014 क्या आपको हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा जाता है? जब आपको योगासन कराया जाता है क्या आपको कहा जाता है कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए? ये तो आप सरासर अपनी टेलर मेड चीजें थोप रहे हैं। हाँ विवेक, ठीक है, मैं सबसे रिएक्शन ले लूं पहले। अवनिजेश जी, आरोप ये लग रहा है कि आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, योगा को वो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं, लेकिन अगर आप एक धर्म विशेष के चोले में उसकी ब्रांडिंग करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर तो दिक्कत होगी, आपत्ति तो होगी ना दूसरे लोगों को भी। दीपक जी, दुनिया के 150 लोगों ने तो ये आपत्ति की नहीं कि हम पर थोपा गया है, दुनिया के 150 देशों ने आपत्ति नहीं की, हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने आपत्ति की है कि हम पर थोपा जा रहा है, पहली बात। और जियाई साहब खुद कह रहे हैं कि 5000 साल पहले से होता आ रहा है, तो इसका किसी धर्म के विरोध का तो संदर्भ है नहीं। दूसरी इससे बड़ी बात यह कि मुझे तो ये लगता था कि हम तो ये पढ़ते आते थे कि किसी भी धर्म की कोई अच्छी बात हो तो वो ले लो। बड़े बड़े भाषण तो ये दिए जाते हैं कि कोई किसी भी धर्म की बहुत अच्छी बात हो तो ले लो, उससे कोई धर्म का, अपने धर्म का कोई नाश या ह्रास या नुकसान नहीं होता। आज ये कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये मत करो, हम करेंगे तो अपनी मर्जी। वो तो ठीक है कि आप अपनी मर्जी से करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई थोपा जा सकता ना, और योग तो किसी पर थोपा जा ही नहीं सकता। मन से जब तक आप योग नहीं करेंगे तब तक ये लोग ये कह लें कि सिर्फ ये शारीरिक एक्सरसाइज है, ऐसा है नहीं, ये कोई जिम में जाना नहीं है। इसके साथ साथ मन, आत्मा, मस्तिष्क, चित्त, इन सब का मिला जुला है, जिसमें आप अपने शरीर के भीतर के विकारों को बाहर निकालने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया तय कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं।
इसलिए जबरदस्ती तो योग किसी से करवाया भी नहीं जा सकता, ये तो बड़ी साफ सी बात है। लेकिन हैरत तब होती है कि अगर कोई रांची की लड़की अगर योगा गुरु बन रही है तो उसके खिलाफ फतवा आता है। यहाँ पर दिक्कत होती है कि नहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। ये धर्म के खिलाफ कहाँ से हो जाती है? कोई अगर आदमी स्वस्थ हो जाता है प्राणायाम करके, कोई अगर आदमी वज्रासन करके कोई स्वस्थ हो जाता है, तो ये धर्म के खिलाफ कहाँ से है? अरे मैं जानता हूँ कि अपनी बीमारी के लिए लोग सड़क किनारे फकीर और पत्थर पर भी मत्था टेक लेते हैं जा करके। ठीक है, अभी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जियाई साहब बताइए, जवाब दीजिए। देखिए दीपक भाई, सबसे पहली बात यह है कि हमारे भाई ने जो बात कही है कि 5000 साल, मैंने आपको बताया है और आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, 5000 साल पुरानी प्रथा है जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज के तौर पे, अपने जिस्मानी तौर पर। लेकिन जब मैंने बात ये कही, बार बार आपको बताने की कोशिश की कि योग एक अच्छी चीज है, जिस्मानी रूहानी भी है इसमें, लेकिन साथ ही साथ मन भी है, आत्मा भी है। अब देखिए दीपक भाई अब यही बात बताओ कि अगर आप वही आध्यात्मिक बातें, जो धार्मिक बातें हैं, दिल को संतुष्टि के लिए जो बातें आप अपने धर्म की बातें लगाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक धर्म से जुड़ जाता है वो, फिर वो किसी के ऊपर में आप ये नहीं कह सकते आपने करना है या नहीं करना है, ये हर एक का अपना अपना पढ़ने का तरीका ही होगा। आप इसमें धर्म से जोड़ करके उन श्लोकों को आप धार्मिक बना दे रहे हैं, धार्मिक ना बनाइए ना, योग को एक्सरसाइज रहने दीजिए ना। मैं आपको बताता हूँ, हमारे सामने नहीं, हमारे साथ योगा एक्सपर्ट जी जी हमारे साथ वंदना जी है। वंदना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि योगा की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएं मौलाना साहब को, जिसमें मंत्रोच्चारण कहां से आ गया, मंत्रोच्चारण वाली ये बहस जो है, ये शुरुआत वहीं से, मैं बहुत देर से हाँ प्लीज आप बताइए, कोशिश कर रही थी मौलाना साहब को बताइए कि योग क्या है दरअसल। वो मंत्रों का उच्चारण योग नहीं है सर, योग एक अलग चीज है, मन और आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। आप बताएंगी वंदना बताइए, कहीं भी जी कहीं भी ये थोपा गया ही नहीं है कि आप ये मंत्र करेंगे तो ये योगासना करेंगे, ये मंत्र करेंगे तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा कहीं भी बताया नहीं गया है, ना ही कहीं थोपा गया है। जैसा कि दीपक आपने बोला था कि बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां से तो कहीं विरोधाभास नहीं आया, हमारे अपने कंट्री में क्यों आया है? इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं अपनी डिग्री कर रही थी, मेरे कितने सारे बैचमेट डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज से थे और वो बहुत खुशी खुशी वो मंत्रास पढ़ लेते थे। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल मत कीजिए, आप सिर्फ योगासना कर लीजिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, ध्यान में बैठ जाइए। जहां तक ओम का सवाल है, बहुत ज्यादा जगहों पर मैंने देखा है कि ओम को लेकर बैठ जाते कि ओम से ही क्यों शुरू करना है और ओम शांति शांति कहकर ही क्यों खत्म करना है। शांति की जगह आप कुछ और बोलना चाहते तो बिल्कुल बोल दीजिए, पीस तो हमें सबको ही चाहिए, अपनी लाइफ में भी, इस दुनिया में भी, किसी को वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं झुकना है, कहीं कोई नहीं चाहता है कि वॉर हो जाए। तो वो पीस को अगर हम योगा के जरिए ले सकते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी बात जो जीआई जी बार बार बोल रहे हैं कि मंत्र क्यों करने हैं, श्लोक क्यों पढ़ने हैं, आप प्लीज बिल्कुल मत कीजिए, वो कहीं नहीं थोपा जा रहा है। और आप एक और छोटी सी बात बताइए यहाँ पर, क्यों कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा क्यों कर रहे हैं, आप बोलिए मैं कर रहे हैं उसको करें, आप हम पर, आप पर हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे आप क्यों कर रहे हैं, आप करें बहन, मुझे उस पर इतराज नहीं, मुझे इस बात पर इतराज है कि आप उसे योगा डे बना करके पूरी दुनिया के सामने अपने धर्म को रूहों से जोड़ने वाला मामला बना रहे हैं तो तकलीफ पहुंच रही है। सर जियाई साहब आंखें खोलिए, मुद्दे की बात ये है, जियाई साहब आंखें खोलिए, मैं विनम्रता से आपसे गुजारिश करूंगा, आंखें खोलिए कृपया। अब योगा जो है वो भारत का दिवस नहीं है सर, ये बैनुल क्वामी अंतरराष्ट्रीय दिवस है, ये यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड दिवस है, ये भारत का दिवस नहीं रहा, पूरी दुनिया बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। हाँ जी की है, क्या गलत किया? बिल्कुल गलत किया, क्या इन्होंने बहुत मेहनत की? नहीं गलत किया क्या जियाई साहब? पूरी दुनिया गलत किया, भारत की एक विरासत विश्व पटल पर आज सबको गौरवान्वित कर रही है, तो क्या गलत कर दिया? पूरी दुनिया के ऊपर में प्रेशर बनाया, और ये अगर आप उसको कहते हैं कि ये सही है तो ये अगर आपके हिसाब से सही है तो ये आप अच्छा समझे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया को नहीं, आप कह दीजिए गलत किया, पढ़ाने के लिए इसको यूएन में ला करके इंटरनेशनल बना दे, जो है ये आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। नहीं आप कह रहे हैं कि जो दुनिया के 150 से ज्यादा देश, दुनिया के 150 से ज्यादा देशों के साथ हमने जाति करी है, अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसको घोषित करवाया है या भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का डंका बजवाया है,
गर्व होना चाहिए हमें पूरे देश को, हिंदुस्तानियों को, या शर्मिंदा होना चाहिए? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे कुछ सोच समझ के तो बोला करिए जियाई साहब। हमें मुल्क के हिसाब नहीं, दीपक भाई बिल्कुल, दीपक भाई आप बिल्कुल उसको गलत एंगल में ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि मुल्क के आगे बढ़ाना, मुल्क को पूरी दुनिया में स्थापित करना, यह बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मुसलमान होने के नाते मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप मेरे ऊपर इस बात को थोपने की कोशिश, आप थोप रहे हैं, आपको स्वस्थ करने की बात कर रहे हैं सर। सुकून मिलेगा, आप स्वस्थ नहीं होना चाहते सर, नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भाई साहब आपने ये कैसी बात आप कर रहे हैं? ठीक है अनिला जी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ आपको, मैंने बहुत ही सराहत के साथ वाजी कर दिया है कि आपने पूरी दुनिया में यूएन में इंटरनेशनल बनाने के लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने अपने 56 इंच की छाती को बहुत मजबूती से दिखाया है और उसको वहां पर से अप्रूव करवाया है। ये बहुत अच्छी चीज है, पूरे मुल्क के लिए अच्छी चीज है। तो बोलिए ना, वेलकम कीजिए ना, करेंगे कि ये श्लोक पढ़ो तभी आपके रुकू को सुकून मिलेगा। तो अरे सर श्लोक नहीं, हम नहीं कहेंगे अभी, ओहो हम क्यों वेलकम कहेंगे? आप कह दीजिए हमसे वेलकम कहलवा लीजिए, ये क्या बात हो गई सर? आप थोड़ा योग करिए। अच्छा ठीक है ना, लाइटर मोड आप थोड़ा योग किया, आपको योग से कोई दिक्कत है सर? अच्छी चीज है। अच्छा मौलाना साहब आपको योगा से कोई दिक्कत है? आप करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए। देखिए एक्सरसाइज ऑफ योग से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप करते हैं? आप थोड़ा और एक्सरसाइज ऑफ योगा से हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज ही, एक्सरसाइज ही बोल रहा हूँ, थोड़ा किया कीजिए। मैं बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। वेरी नाइस, एक्सरसाइज योगा से कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन ठीक है, श्लोक से दिक्कत है जो हम नहीं, ठीक है श्लोक से दिक्कत, सुकून मिलेगा। ओके एक्सरसाइज से दिक्कत नहीं है ना, योग से दिक्कत नहीं है ना आपको, योगा से दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके अनिला जी, अब आइए अनिला जी, आप सुन रही होंगी, आपका रिएक्शन अब कैसे? आपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो योगा को पहचान अलग से दिला दी, लेकिन जब हमारे घरेलू स्तर पर हमारे अपने लोग ही थोड़े बहुत सवाल उठाते हैं, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ बड़े मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत ज़्यादा विरोध इसका नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि योगा ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पर हमें गौरवान्वित किया है, लेकिन इन सवालों का जवाब भी देना तो लाजमी बनता है। कैसे देंगे आप इन सवालों का जवाब? हमें अच्छी तरीके से याद है कि 27 सितंबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी, बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हाँ। ये बात कही थी कि योग जो है, जी योग जो है उस सबको एक साथ करना चाहिए, क्योंकि इसके लाभ बताते हुए ये निवेदन किया था कि 21 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, और 11 दिसंबर 2014 को ये एक भेंट के रूप में हम लोगों को मिल गया था। ये जो कदम उठाया था प्रधानमंत्री जी ने, बहुत बड़ा कदम था, और पूरा विश्व जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। अब यहाँ पर मैं सुन रही थी, पराचा साहब को सुन रही थी जो ओवैसी इन मेकिंग है, और जियाई साहब को भी मैं सुन रही थी। देखिए हर चीज को, खासतौर से अगर मैं योग की बात करती हूँ, तो उसको क्षेत्र से, धर्म से, आस्था से, अंधविश्वास से जोड़ना सरासर गलत है। सरासर गलत क्यों है? क्योंकि ये जीवन पद्धति है, और जो जीवन पद्धति है, जो विज्ञान के पूरे अपूरे आधार पर ये बना हुआ है योग, तो जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है उसको धर्म से ना जोड़िए। सीधी सी बात है, जब 21 जून क्यों तय किया गया? 21 जून तय इसलिए किया गया था, ये सबसे लंबा दिन होता है, और 21 जून के बाद ये कहा जाता है सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, और इस दिन ये कहा जाता है कि ये ऐसा दिन होता है जब आप आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो, बहुत शुभ दिन होता है। ये सब पूरा विज्ञान है, तो इसको विज्ञान के रूप में देखें तो अच्छा होगा पराचा साहब और जियाई साहब, परंतु अगर आप इसको धर्म से जोड़ेंगे तो शायद आपकी सेहत के लिए भी नहीं अच्छा होगा, और देश की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतवर्ष के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने यह निवेदन किया और उनका निवेदन स्वीकार हुआ। आज पूरा विश्व जो है योग दिवस मनाता है, तो हमें इस पर खुश होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर बहस की जाए। और जब हम बात करते हैं, ये भारत की देन है, अभी जयाई साहब बता रहे थे, प्राचा साहब बता रहे थे, मुझे नहीं कि 5000 वर्ष से ऊपर हो गए हैं योग जो है हड़प्पा में, इसके हड़प्पा में हमें इसके एविडेंस मिले हुए हैं कि तब भी योग हुआ करता था, और तब पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब अलग अलग नहीं थे, पूरा अखंड भारत था। तो आपके भी पूर्वज जो थे वो भी योग करते होंगे, वो भी ओम बोलते होंगे, तो इसको क्यों आप धर्म में बांटना चाहते हैं? आपको जिम के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, बाहर गाड़ी से जाकर पार्क में दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बंद कमरे में या अपनी खुली छत पर बैठकर आप योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, ठीक है। तो ये ना केवल शारीरिक कष्ट मिटाता है, अपना मानसिक कष्ट भी मिटाता है। बहुत सारे हाथ खड़े उठ रहे हैं, बहुत सारे हाथ खड़े उठ रहे हैं रूप में जो अनिला जी, बहुत सारे हाथ खड़े उठ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे काउंटर आपके पास आने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन मैं माफी के साथ जो है विकास जी के पास लास्ट में आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना है विकास जी, लेकिन उससे पहले आपकी टिप्पणी, आप क्या कहना चाहेंगे, ये धर्म बीच में क्यों आ जाता है? बार बार हम योग की बात करते हैं, योग मने जोड़ना, तो फिर ये तोड़ने की बात कहाँ से आ जाती है सर? दीपक जी, मुझे लगता है कि योग को धर्म से बिल्कुल जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सकारात्मक जीवन शैली के लिए अनिवार्य योग है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि 21 जून 2015 से यूएन ने डिक्लेयर किया कि इंटरनेशनल योगा डे है, हिंदुस्तान में हजारों साल से योगा है, और हिंदुस्तान से कई ऐसे गुरु हुए पिछले हजारों साल में जिन्होंने वेस्ट में योगा को ले जाकर के बहुत प्रचलित किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि 2009 में टाइम स्क्वायर पे 21 जून को जब हिंदुस्तान में योग को कुछ हिस्सों में था, 4000 लोग टाइम स्क्वायर पे योगा दिवस मना रहे थे 21 जून को करके काम। तो 21 जून 2015 में रिकग्निशन यूएन ने जरूर दिया, लेकिन कई वर्षों से बहुत मुल्कों में 21 जून को प्रथा थी योगा डे को सेलिब्रेट करने की। तो किसी एक पार्टी विशेष को इसका क्रेडिट ना देते हुए, ये इस देश की जीवन शैली है। नहीं, पार्टी विशेष नहीं सर, ये तो भारत सरकार को इसका श्रेय जाता है, भारत सरकार को श्रेय जाता है ना इसका। मैं वही कह रहा हूँ, पार्टी विशेष को तो कोई नहीं दे रहा है। मैं दीपक जी, मैं यही कह रहा हूँ इसलिए किसी को भी इस तरह नहीं, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में 2015 से की रिकग्निशन से पहले बहुत प्रचंड रूप से वहां मनाया जाता है। आप मैं कई देशों में मैंने एक बिल्कुल योगा मनाया जाता है, आयंगर स्वामी से लेकर रामदेव जी तक, बहुत सारे योग गुरु हमारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने योग की साधना की है, लोगों को पहुंचाया है। लेकिन सवाल ये है ना विकास जी कि फिर 1947 से लेकर 2015 क्यों लग गया इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनने में? अगर ये हमारी विरासत थी, अगर इस पर हमेशा से गर्व था, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कराने के लिए सरकारों ने पहल क्यों नहीं की? और अगर हुई है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित हुआ है, तो इसमें फिर ये क्यों आ रही है कि इसको श्रेय मत दो, इसको श्रेय मत दो, 56 इंच की छाती और ये सब बातें क्यों आ रही हैं? क्या योग को किसी धर्म से जोड़ना सही है? माना कि योग जोड़ता है, लेकिन इसका काम हर जगह जोड़ना होना चाहिए ना, फिर बीच बीच में इसके तोड़ने के सवाल क्यों उठते हैं? क्या योग को किसी धर्म से जोड़ना सही है? यह है हमारा आज का सवाल, और इसी पर कर रहे हैं आज देश की बात। और अब मैं आना चाहूंगा विवेक मिश्रा, आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई है इस गर्मा गर्मी में, और जब इस तरह से जब हमारे नेताओं का और राजनीतिक विश्लेषक भी बाकी लोग जो उनका दिमाग जब इस तरह से थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो कौन सा योग किया जाए जिससे दिमाग शांत हो, घर बैठे बैठे स्टूडियो में बैठे बैठे? कुछ ऐसे आसन बता दीजिए जो हमारे तमाम जो गेस्ट हैं अभी भी कर पाए। मैं मौलाना साहब से सबसे पहले कहूंगा, मुझे लग रहा था उनका बीपी शूट अप कर रहा था। तो एक बहुत हमारी पुरानी उज्जयी ब्रीदिंग प्रक्रिया है, जब आप सांस लेते हैं, जब आप इनहेल करते हैं, तो जो आपका पेट है वो बाहर जाना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। आप जब सांस लें 10 सेकंड या 20 सेकंड तक उस पोस्चर को मेंटेन करें, और फिर अचानक से नहीं, धीरे धीरे सांस को छोड़ें, और आपका जब आप सांस छोड़ें तो आपका पेट अंदर की तरफ जाए। आप ऐसा 20 सेकंड 30 सेकंड करके देखें, और आपका जो दिमाग है वो शांत महसूस होगा। अगर आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ गया है, या आप किसी तरीके से उत्तेजित हो गए हैं, आपको गुस्सा आ गया है, तो आप उसमें फर्क महसूस करेंगे। ये आप हवाई जहाज में बैठे हो, कार में हो, वर्क स्टेशन पर हो, कहीं पर हो, कभी भी कर सकते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं, क्यों योग को आप धर्म से जोड़ रहे हैं? कहीं नहीं आपसे कहा जाता है या आपको जबरदस्ती बोला जाता है कि आप ये मंत्रों का उच्चारण करें, आप हनुमान चालीसा पढ़ें, या आप गायत्री मंत्र करें। आप जिस भी देवी देवता को या अपने अल्लाह को, जिसको भी अल्लाह पाक को मानते हो, जिसको भी चाहते हो, आप उसका कलमा पढ़े ना। योग क्या है? योग आपका जो मन है उसको आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आप जो पॉस्चर्स करते हो, जो आसन करते हो, आपकी बॉडी को सिंक्रोनाइज करता है। ये बिल्कुल एक तरीके का व्यायाम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। प्राचा साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने योग भी बता दिया, आप योग करिए अपने हिसाब से, इस जीवन शैली को अपनाइए, क्या दिक्कत है? प्राचा साहब,
एक चीज देखिए, जो आपके यहाँ योग एक्सपर्ट बैठे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ पहले तो कि मैं अपने दिन की शुरुआत शीर्षासन से करता हूँ। क्या बात सबसे है? सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले सुबह। बहुत बढ़िया। तो शीर्षासन एक मुश्किल आसन होता है, लेकिन फिर भी मैं उसी से शुरू करता हूँ। पहली बात तो ये है, लेकिन जो योग का नाम जो बदनाम करा रहे हैं हमारे देश में, उनके बारे में भी सुन लीजिए कुछ। वो ये है कि अभी हमारे योगा एक्सपर्ट्स ने, जो मोहतरमा आई हुई हैं, उन्होंने भी बताया कि ओम शांति शांति से शुरू करते हैं और ओम शांति 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 से ख़त्म करते हैं। तो आरएसएस की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बजरंग दल और जो ये विश्व हिंदू परिषद, जो लोग जिनके मनों में हिंसा बनी हुई है और ये हिंसक बातें करते हैं और हिंसक कार्रवाइयाँ करते हैं, तो ऐसा एक इम्प्रेशन जाता है कि या तो ये योग कर नहीं रहे हैं, और अगर योग कर रहे हैं तो मन से नहीं कर रहे, क्योंकि इनके ऊपर तो योग कोई इफेक्ट डाल ही नहीं पा रहा है। तो ये बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है, एक उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। और आरएसएस की शाखाओं में मेरे ख्याल से योग कराना सबसे आवश्यक है, क्योंकि इनके मन में इतनी हिंसा कूट कूट के भरी हुई है कि वो योग करने के बाद, यदि वो योग करते हैं, डायरेक्ट अटैक आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट जवाब भी सुनिए फिर। नहीं तो मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको, फिर आप जब आपको जवाब भी लेना पड़ेगा अपनी जी। मैं जो जो नहीं, आप हिंसा का आरोप लगा रहे हैं ना, तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। ऑफ कोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे बात बात अच्छा बात पूरी कर लीजिए। ओके ओके, तो कर रहे थे, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। तो सबसे, लेकिन संक्षेप में गुजारिश होगी, संक्षेप। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता क्यों, हाँ मुझसे आप गुजारिश कीजिए, बाकी लोगों को भी कीजिएगा संक्षेप में। बिल्कुल, मैं सबसे बोलूंगा, मैं सबसे बोलूंगा, छोटी छोटी बात रखिएगा, और मैं टोका टाकी करूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जी जी जी, कोई बात नहीं। तो सबसे ज्यादा उनको करना चाहिए, इन लोगों को योग, उसका असर अच्छी तरीके से मन से करना चाहिए, शायद वो मन से नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो योग डे पे हमारे देश में इतना पैसा खर्च करते हैं प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रमोट करने के लिए, इतना पैसा यदि स्कूलों में और दूसरी जगहों पे योग सिखाने के लिए उतना पैसा खर्च किया जाए तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। धन्यवाद। ये आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया अवनीजय जी, मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब भी मैं लूंगा, अनिला जी से मैं सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन पहले अवनीजेश जी इस बात का जवाब देंगे जो डायरेक्ट अटैक आरएसएस पर और बजरंग दल पर और बाकी सब पे किए हैं। कम से कम आरएसएस के विचारक तो हमारे बीच में, उनसे जवाब लेना बनता है इस पर। जी अवनीजेश जी। नहीं नहीं, ऐसा है कि महमूद प्राचा जी को तो दिन में भी रात को भी स्वप्न में भी जगते सोते सिर्फ आरएसएस दिखाई देता है। मैं इनकी बात का बुरा भी नहीं मानता, और इनकी गाली देते देते आज 90 साल के पश्चात संघ यहां पहुंचा है, एक बात। दूसरी बात यह कि आज एक बात समझ में आ गई ना साफ, कि योग का विरोध धर्म के आवरण में राजनीतिक विरोध है। दोनों ने कहा कि, एक ने कहा मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर के वहाँ चले गए और सबको मनवा दिया, दूसरे ने कहा कि ये योगी जी अपने, मोदी जी अपने आप को प्रमोट करने के लिए करते हैं। इसका मतलब योग दिवस पर भी इनके दिमाग की कुत्सित राजनीति, जिसमें आम आदमी योग के माध्यम से अपना स्वस्थ जीवन भी ना जी पाए, उसके लिए ये धर्म का कुत्सित इस्तेमाल करते हैं ये महमूद प्राचा जैसे लोग। समझ में आ गया, बिल्कुल साफ हो गया आज तो, कि इनका विरोध राजनीति के आवरण लगा लिया कि ये कि हमारे धर्म के खिलाफ है। जी हमारे धर्म के खिलाफ है, आप नहीं हमारे ऊपर कर सकते। ये है असली इनका चेहरा जिहाद के नाम पर, और बहुत सारी बातें, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आप एक बात कहिए कि ओम शांति शांति, मैं स्वयं शीर्षासन करता हूं, शायद आप ना कर पाएंगे अवस्थी जी। महमूद जी, मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं था सर, मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं था सर, बिल्कुल नहीं बोला था मैं तो आपको। शीर्षासन प्रतीकात्मक भी होता है वैसे, आपको कई बार उल्टा होना जो होता है ना, उसको भी कहते हैं उल्टा। नहीं, आज भी कहते हैं, आज योग की बात करते हैं, प्रतीकों की बात नहीं छोड़ देते हैं, कई अर्थ हैं। अब नीचे जी प्रतीकों की बात छोड़ देते हैं, प्राचा जी फिट भी लग रहे हैं वैसे। नहीं नहीं, शीर्षासन के कई अर्थ, फिट भी लग रहे हैं वो, शीर्षासन के कई अर्थ हैं। शीर्षासन नहीं, अब नीचे जी फिट भी लग रहे हैं वो, देखिए किसी को मालूम नहीं होगा, शीर्षासन नाम के पतंजलि नाम के शीर्षासन की आप मुखालफत करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके ओके, योगा ब्रेक लेते हैं, एक योगा ब्रेक ले लेते हैं अब नीचे जी, एक योगा ब्रेक ले लेते हैं, गर्म गर्मा गर्म हो गया माहौल, अब छोटा सा एक योगा ब्रेक ले लेते हैं, प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, हाँ, योगा ब्रेक ले लेते हैं। वंदना, योग है उसका एक अंश वंदना आसन, जिस वंदना विवेक ने कुछ देर पहले बताया था कि योगा ब्रेक में क्या किया जाए, अब आप थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, इस तरह की गर्मा गर्मी जब हो जाए, मानसिक जो है आदमी थोड़ा सा उद्वेलित हो जाए, तो फिर क्या किया जाए?
मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगी, आपको जो ही समझ में आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, भ्रामरे आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपने खुद के साथ बैठ के इक्वल ब्रीदिंग भी करेंगे तो भी मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा। इक्वल ब्रीदिंग का मतलब है इनहेल फॉर द सेम टाइम, एक्सहेल फॉर द सेम टाइम। आप इतना करना शुरू कीजिए, ओम मत कीजिए, शांति शांति मत बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लिया प्राजा जी, कोई फर्क नहीं है, ओम मत बोलिए, शांति मत बोलिए, कोई नहीं थोप रहा आप पे। मैं तो चाहता हूं आप लोग बोले। हाँ। और उसका नहीं नहीं, मैं कब मना कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं आरएसएस के लोगों को करना चाहिए और मन से करना चाहिए, शायद वो मन से नहीं कर रहे हैं इसलिए उसमें उनमें इतनी हिंसा कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा अच्छा, चलिए मुफ्ती मंजूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको जो वंदना जी ने और विवेक जी ने जो बताया है उस योगा पे कोई आपत्ति है क्या? नहीं, हमारे दोस्त अभी कह रहे थे, और दीपक भाई आप इस बात को बहुत बखूबी नोट कर रहे होंगे कि हमारे दोस्त कह रहे थे कि हमने कभी भी इस चीज़ को कहने की कोशिश नहीं की है कि आप गायत्री मंत्र ना पढ़ो, आप श्लोक ना पढ़ो, आप ये ना पढ़ो, आप जो भी पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो। तो क्या आपने जब उसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए आवेदन दिया और वहाँ पर पास भी हो गया तो वहाँ पर इसी चीज़ को लिखा है कि आप जो चाहो पढ़ो, या फिर आपने वहाँ पर लिखा है कि इसी श्लोक को पढ़ो? श्लोक कहाँ से आ गया? योगा डे में यही चीज अवस्थी जी, यही चीज, कोई श्लोक नहीं गया है वहाँ पर, प्रोटोकॉल के आसनास गए थे थामने की। बहुत बढ़िया, वंदना जी आपको बताएंगी क्या गया था। आपको शायद गलतफहमी है, आज अपनी गलतफहमी भी दूर कर लीजिए, योगासन थोड़ा बहुत सीख लीजिए और गलतफहमियां भी दूर करते रहिए। वंदना बताइए जब यूएन में ये पास होने के लिए गया था, जैसे कि योगा डे आप सभी को अभी तक पता लगी गया है कि सबको जोड़ने की एक पद्धति है, एक लाइफ स्टाइल है। जब हम बोलते हैं कि हम वी डोंट प्रैक्टिस योगा, वी लिव योगा, क्यों बोलते हैं वी लिव योगा? क्योंकि ये जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक यूएन का सवाल है तो वहां ओम जरूर लिखकर गया होगा, उसका मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगी। एक चार लाइन का हिंदी मंत्र लिखकर गया था, वो मंत्र नहीं है, उसका पूरा पूरा सीधा मीनिंग यही था, हम सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, हम और ये जितनी भी लिविंग बीइंग है, मतलब कि पेड़ पौधे जानवर सब, वो संदेश था ज़ियाई साहब, वो संदेश था। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर ज़ियाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, साल 2014 साल 2014 भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में यूएनजीए में रेजोल्यूशन ड्राफ्ट पेश किया था, तो 177 कंट्रीज थी जो उठकर खड़ी हुई और उन्होंने समर्थित किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसलिए इसमें इस्लामिक देश भी शामिल थे, तो आपको क्या लगता है उन इस्लामिक देशों को आपत्ति नहीं हुई? यहाँ पर बैठकर आपको आपत्ति हो रही है? उनको उस संदेश से जो संस्कृत में लिखा गया संदेश था जिसे आप श्लोक कह रहे हैं उससे आपत्ति नहीं हुई आपको हो रही है? जिसे कहते हैं उस योग से हमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जी साहब, बिल्कुल दिक्कत नहीं उस योग से। आपको मालूम ही होगा सऊदी अरब ने, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, सऊदी अरब ने योगा को खेल का दर्जा दिया है, सऊदी अरब ने खेल का दर्जा दिया है, ईरान ने इसे खेल का दर्जा दिया है। जो अवनीजेश जी कह रहे थे, जो कि आपके इस्लाम में भी लिखा हुआ है, मैं उसकी बड़ी कायदे से बड़ी इज्जत भी करता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कहीं इधर उधर जा रहा हूँ, तो मैं बड़ा इस अज्ञानी आदमी भी हूँ, लेकिन नीयत साफ है ना आपके बारे में भी, आप भी मेरे शो पर कई बार कह चुके हैं कि इस्लाम में लिखा है नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो योग को आप आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन अब राजनीति के लिए अगर आप इसका विरोध करेंगे तो फिर तो अवनीजेश जी अवस्थी जी जैसे जिन्होंने जवाब दिए हैं वैसे तो आपको मिलेंगे ना? बिल्कुल नहीं। देखिए हम लोगों को दीपक भाई, हम लोगों को राजनीति से दीपक भाई कोई मतलब नहीं है। हमारा देखिए एक ही संदेश है, योग अच्छी चीज है, एक्सरसाइज एज एक्सरसाइज योग बहुत अच्छी चीज है, हम उसकी ताईद भी करते हैं और हम खुद भी करते हैं उस चीज को जो कि वो एक्सरसाइज है। लेकिन अगर उस एक्सरसाइज से बढ़कर के वो श्लोक पढ़े जाए, वो पढ़ाने के लिए आने वाला योग सिखाने वाला उस चीज को जब बच्चों को में डालता है स्कूल में या बाहर कहीं और, तो फिर वो जो संदेश जाता है वो एक धर्म को पेश करने का संदेश जाता है। हम सिर्फ इस बात की, हम सिर्फ इस बात का जो वो मंत्र नहीं है उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अनिला जी आप किस मंत्रा की बात कर रहे हैं, हम ये समझ नहीं पा। अनिला जी से पूछ लेते हैं, लेकिन एक सवाल जो छूट गया था, सुनिए इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, मेरी गुजारिश है आपसे, तो हम सभी लोग थोड़ा सा संयम रखें, योग की हम बात कर रहे हैं। अनिला जी लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, और वो मैं आपको पूछना चाहूंगा, जितने भी योग प्रशिक्षु यहाँ पर बैठे हुए हैं, वंदना जी बैठे हैं, विवेक जी बैठे हैं, ये तो सेलिब्रिटी योग प्रशिक्षु हैं, लेकिन बहुत सारे देश के ऐसे योग प्रशिक्षु हैं जो खुद को
माध्यमिक शिक्षा के मामले में योग को शामिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि साहब आप योगा की इतनी बात तो कर रहे हैं लेकिन स्कूलों में उन्हें शामिल कर देंगे तो योग उनकी आजीविका से जुड़ जाएगा। अगर आप योग शिक्षकों की आजीविका सुनिश्चित कर लेंगे तो योग तो फिर पूरे हमारे देश में क्या हिंदुस्तान में तो फैल ही रहा है और फलेगा फूलेगा, उसमें क्यों क्या दिक्कत है सरकार को, आप उनकी सुध क्यों नहीं ले रही? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये इंक्लूड हो जाना चाहिए और होगा भी, और मुझे लगता है केवल स्कूलों में नहीं, विद्यालयों में नहीं, मदरसों में भी होना चाहिए। क्योंकि मैं जिस प्रकार से सुन रही हूँ, यहाँ पर मुफ्ती साहब बैठे हैं, मियाँ प्राचा जी बैठे हैं और जो बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इन लोगों के दिमाग में योग को लेके। तो विद्यालयों में भी, मदरसों में, हर जगह कंपलसरी हो जाना चाहिए, शिक्षक होने चाहिए और जिससे कि बच्चों को वो योग सिखाएं। योग जोड़ने का काम करता है। ये लोग जो बांटने की भाषा तो कर रहे हैं, कोई कह रहा है यहाँ पे कि आरएसएस जो है केवल और केवल केवल और केवल यहाँ पे आतंकवादी, मेरा एक सीधा सा सवाल था आपसे, में लिप्त रहता है, उनके अंदर हिंसा। मेरा पॉइंटेड सवाल का जवाब दे दीजिए, आप कितने गंभीर हैं, आप तो कितने तो गंभीर हैं? हाँ, विद्यालयों में, क्योंकि तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो योग का प्रशिक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं स्कूलों में लेकिन उनकी आजीविका पर जब बन आएगी गंभीर है। हाँ, पूरी तरीके से। हाँ ठीक है, पूरी तरीके से गंभीर है और बिल्कुल इनको एनरोल करना चाहिए और मदरसे में भी ये होना चाहिए, दोनों कंपलसरी होना चाहिए। आप विकास जी, अब मेरा सवाल आपसे छूट के रह गया था, अब आप मुझे बता दीजिए, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को भी, हमारे पैनलिस्ट को बता दीजिए, 1947 से लेकर 2015 तक आपने बहुत योग प्रशिक्षकों के नाम लिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? कांग्रेस की सरकारें या इससे पूर्ववर्ती सरकारें अगर इसके लिए इतना गंभीर थी तो फिर 2015 में जाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों घोषित हो पाया, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो जीआई साहब ने उत्तर दिया ना, 56 इंच का सीना। देखिए दीपक जी, जीआई साहब पहले उत्तर दे चुके हैं, 56। हर सरकारों की अपनी अपनी उपलब्धियां रहती हैं। अगर आप ये कहेंगे कि 1947 से लेकर के 2014 तक जब तक, हाँ तो ऐसे इसको मोदी जी की उपलब्धि मानने में दिक्कत क्या है सर? और नहीं, मैं कह रहा हूँ उपलब्ध, मैंने ये नहीं कहा कि उपलब्धि नहीं है, आपने कहा था ये कहा, नहीं मैंने कहा कि सरकार इसको अपनी उपलब्धि ना बताए, मैंने खाली श्रेय नहीं लेना चाहिए, ये चीज उपलब्धि और श्रेय में क्या अंतर है सर? एक बात मैं दीपक जी, एक चीज बताना मैं आपको चाहता हूँ कि बाकी बहुत मुल्कों में 2015 से पहले योग दिवस मनाया जा रहा था 21 जून को, और तभी ये जो समर्थन यूएन में मिला है उसका बड़ा भारी कारण भी यही रहा है। तो हम हिंदुस्तान में नहीं कर पाए, अगर बहुत पहले से मनाया जाता था तो और भी बड़ी बात है। अगर मनाया जाता था बाकी देशों में तो बाकी सरकारों ने क्यों नहीं प्रस्ताव रखा फिर ये? ओके, चलिए देश को उस अब इसी नोट पर थोड़ा सा योगा ब्रेक के साथ ही हम इसको खत्म करेंगे। विवेक जी, वंदना जी, बांग्लादेश एक छोटे देश के 21 फरवरी मैं माफी चाहूंगा, अब मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास अब वक्त की कमी है। हमारे अब कुछ ही देर में हमारे सामने पूरी दुनिया से योग की रंग बिरंगी तस्वीरों की, मैं नहीं चाहता किसी कड़वे नोट पर हम आज देश की बात का समापन करें क्योंकि योग जैसी चीज पर हम बहस कर रहे हैं, इसलिए मैं अब वंदना जी और विवेक जी को कहूंगा, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, हमारे पैनलिस्ट के लिए, देशवासियों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, आप दो दो आसन करके बताएं जिससे उनके जीवन में शांति और सुकून आए। अब आप दोनों स्क्रीन पर रहेंगे, आप दोनों बताएं। दीपक, दो दो आसन मैं तो बैठे बैठे आसन कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि विवेक जी आप कर दें पहले, मैंने साड़ी पहन रखी है तो मैं चाहूंगी कि आप कर दें फिर मैं करती हूँ आसन। मैं भी बैठा हुआ हूँ बट कोई बात नहीं, बैठे बैठे सर करते हैं, बैठे बैठे क्या ना, हम लोग बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, ऑफिस में, स्टूडियो में, ऐसे ही बैठे बैठे अगर हम कुछ योग कर सके तो एक्सहेल करते हैं, बहुत बढ़िया, आंखें बंद करते हैं, इसमें ना आपको ओम का उच्चारण करना ना किसी मंत्र का उच्चारण करना, सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना है, जिस नॉस्ट्रल से आप इनहेल करेंगे उसी नॉस्ट्रल से आपको कोशिश करनी कि आप एक्सहेल करें। ओके, यही अनुलोम विलोम है सर? विवेक जी, चलिए ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी, आप भी कुछ कहेंगी हमारे दर्शकों के लिए, कोई आसन, कोई प्राणायाम,
बहुत इम्पोर्टेंट बात. हाँ प्राणायाम जो विवेक जी ने बताया वो बहुत अच्छा प्राणायाम है. बस इतना बोलूंगी गर्मी बहुत है, शीतली कीजिए ना, शरीर को ठंडा रखेगा दिमाग भी साथ में ठंडा रखेगा. कैसे कर सकते हैं उसे? शीतली प्राणायाम बहुत इजी है. बहुत इजी प्राणायाम है. आप अपनी टंग को ना थोड़ा सा बाहर निकालें, उसे ट्यूब जैसा बनाएं, क्योंकि बोल नहीं पाऊंगी करते वक्त, इसलिए पहले बता देती हूँ. इनहेल माउथ से करना है, एक्सहेल नोज से करना है. आप मुद्रा लें नहीं लें फर्क नहीं पड़ता. और मुद्रा का भी बता देती हूँ, ये किसी जाति विशेष और धर्म से रिलेटेड नहीं है. प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक्वा प्रेशर जब हम कराते हैं तो इन सब चीजों का यूज करते हैं, इसलिए ध्यान मुद्रा लेते हैं, क्योंकि आपको मस्तिष्क से रिलेटेड है सीधे सीधे. तो ध्यान मुद्रा लेकर के हम प्रैक्टिस करेंगे शीतली प्राणायाम की. जीभ को बाहर निकालेंगे, ट्यूब के जैसा बनाएंगे. वंदना जी को स्क्रीन पर रखिए प्लीज. हाँ सो इनहेल करेंगे अपने माउथ से, एक्सहेल करेंगे नोज से. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे पहले कि हम जाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही काफी है दिमाग शांत रखने के लिए. और उससे एक और छोटी सी बात, जिससे चर्चा का विषय नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात ये कि जिस तरह हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसी तरह हमारे मुस्लिम भाई बहन नवाज अदा करते हैं. ऑलमोस्ट सेम पॉस्चर्स हैं, इट्स ओके. आप धर्म विशेष से मत जोड़िए, जो करते हैं उसे करते रहिए. ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कड़क सवाल का वक्त का अब वक्त आ चुका है कि हम कड़क सवाल का जवाब लें. और आज का हमारा कड़क सवाल था, सीधा सीधा एक सवाल हम अपने दर्शकों से पूछा था, और सवाल यह था कि क्या योग को किसी धर्म विशेष से जोड़ना सही है. हाँ मैं अगर जवाब की बात करें तो 14% लोग मानते हैं कि हाँ धर्म विशेष से जोड़ा जा सकता है योग को. लेकिन मेजोरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स, ज्यादातर हमारे दर्शक कह रहे हैं, 86% दर्शक कह रहे हैं कि धर्म विशेष से कृपया योग को ना जोड़ा जाए. और यही हमारे पैनलिस्ट के साथ जो आज की हमारी देश की बात की चर्चा हुई है उसका लबोलुआब भी यही लगता है. चलिए इसी के साथ डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच का भी वक्त आ चुका है. फटाफट देख लेते हैं आज डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच किसे गया. योग को राजनीतिक तौर पे देखना बिल्कुल गलत है, किसी धर्म से देखना बिल्कुल गलत है. योग एक पद्धति है, एक जीवन शैली है, जिससे आप अपनाएंगे तो आप किसी भी तरीके की बीमारी और विकारों से दूर रहेंगे और स्वस्थ चुरुस्त दिमाग और शरीर के साथ रहेंगे. तो योगा का लिटरली मीनिंग ही जोड़ना है, तो वो किसी भी धर्म से या किसी जाति से रिलेट करता ही नहीं है. उसका एक्चुअल मीनिंग है जोड़ना. तो सारे समुदायों को साथ में लेकर आना या अपने आप को प्रकृति से जोड़ना, अपने खुद की सोल से जोड़ना, अपने ब्रेथ के साथ जोड़ना, योग का जो मतलब ही जोड़ना है, तो वो विभाजित करना तो बिल्कुल ही नहीं है. बहुत बहुत बधाई आपको विवेक मिश्रा, वंदना गुप्ता, मैन ऑफ द मैच और डायलॉग ऑफ द डे के लिए. और इसी के साथ पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया अब तैयार है. भारत की यह विरासत अब पूरी दुनिया में छाने वाली है, पूरी दुनिया में एक पसंदीदा जरिया बन चुकी है अपने तन मन को सेहतमंद रखने की. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खास योग कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो चुका है. योग ऐसी ताकत है, जैसा हम आपको बताते आ रहे हैं, जो कि इंसान की बेहतर जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है. हालांकि कई बार कुछ लोग, खासकर नेताओं के बयान, इसे धर्म से जोड़कर या जबरदस्ती योग करवाने की बात कहकर इसे तोड़ने का काम करते हैं. लेकिन हमारा तो यही कहना है कि योग से खुद को करिए निरोग, सेहत और मन अच्छा रहेगा तो देश भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा. इसी नोट पर अनिता सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विकास गुप्ता आपका, वंदना गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर महमूद पराचा, विवेक मिश्रा साहब, अवनिजेश अवस्थी जी, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत बधाई. इसी के साथ देश की बात में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए जी बिजनेस के साथ. यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थकता. बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार.